ये सिर्फ कोई सफेद इमारतें नहीं, ये दिल्ली का दिल है। जी हाँ जनाब, दिल्ली के दिल में मौजूद मोटे मोटे खंभों पर खड़ी एक जैसी दिखने वाली ये खूबसूरत सफ़ेद इमारतें और तरह तरह की सुख सुविधाओं से भरा ये बाज़ार, जहाँ 24 घंटे टहलने वालों की भीड़ लगी रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज कन्नाट प्लेस की। क्या आप जानते हैं कि आज इमारतों और बिल्डिंगों का ये कन्नाट प्लेस किसी समय में घना जंगल और जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि कैसे इन घने जंगलों को हटाकर विश्व का पांचवा सबसे महंगा स्थान कहे जाने वाले कन्नाट प्लेस को बसाया किसने। तो बात आज से लगभग 80-90 साल पहले की है, जब दिल्ली के कन्नाट प्लेस में सेंट्रल पार्क, पालिका बाजार, रीगल और प्लाजा सिनेमा हॉल की जगह चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करते थे। जंगल के साथ ही आसपास कुछ गांव और पास में एक मंदिर भी, जिसे आज मशहूर प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कन्नाट प्लेस कहे जाने वाला ये इलाका किसी समय में माधोगंज गांव के नाम से जाना जाता था। माधोगंज गांव जयपुर के महाराजा जयसिंह की रियासत का हिस्सा था, जिसे रिज एरिया भी कहते थे। यहाँ बहुत सारे कीकर के पेड़ थे और यहाँ पर जंगली गीदड़ और जंगली सुअर बहुत मात्रा में पाए जाते थे, जिनका गांव के लोग दूर दूर से शिकार करने के लिए आते थे। जब दिल्ली 8वीं बार बसी, तब राजा ने इस जगह को अंग्रेजों को भेंट किया। अंग्रेजों को यह जगह काफी पसंद आई और अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी मार्केट बनाई जाए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी जगह की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने सारे जंगलों को साफ करवा दिया और गांव वालों को भी यहां से करोलबाग रहने के लिए भेज दिया। इसके बाद 1929 में इस मार्केट को बनाना शुरू किया गया। इसको बनने में 4 साल लगे और 1933 में यह मार्केट बनकर तैयार हो गई। देश पर अंग्रेजी राज था, इसलिए इसका नाम भी अंग्रेज परिवार ड्यूक ऑफ कन्नौट के नाम पर रखा गया था। इस पूरी मार्केट को 3 सर्कल में बांटा ताकि वह खूबसूरत लगे। इसकी बनावट घोड़े की नाल से मैच खाती है। अंदर वाले सर्कल के भीतर सिर्फ पार्क है और बाहर वाले सर्कल पर गाड़ियों के लिए रास्ता। इस सर्कल से 10 रास्ते निकलते हैं जो कन्नाट प्लेस को पूरी दिल्ली से जोड़ते हैं। समय के साथ धीरे धीरे यहाँ सिनेमा हॉल, शोरूम्स, कैफे और होटल आदि बने और अब यह दिल्ली के लोगों के लिए घूमने की, शॉपिंग की और सिनेमा देखने की पहली पसंद बन गया। तो ये था सफ़र कन्नाट प्लेस का सुनसान जंगल से आबाद बाज़ार बनने का। कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।